2024 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर भारत पर्व में दिखेगी 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल विकसित भारत की छवि और लोक संस्कृति को प्रस्तुत करती झांकियां। साथ ही होगी स्थानीय नृत्य और लोक संगीत की अनोखी जुगलबंदी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते भारत के कोने कोने से आए हस्तशिल्प के नायाब कारीगरों के होंगे बेहतरीन लोकल उत्पाद। इतना ही नहीं, देश भर के पकवानों से लगेगा राजधानी दिल्ली में स्वाद और जायके का तड़का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं इस 9 दिवसीय महा उत्सव भारत पर्व का उद्घाटन। तो आइए भारत पर्व 2024 में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें, क्योंकि ये पर्व है भारत की मिट्टी की सौंधी खुशबू को दिल से महसूस करने का। ये पर्व है देश पर गर्व करने का। ये पर्व है विश्व पटल पर नित नई ऊंचाई छूते भारत के गौरव गान का। देवियों सज्जनों, आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से इस अवसर पर उनके प्रेरक संबोधन के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी किशन रेड्डी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, अजय भट्ट जी, ब्रिगेडियर आरएस चिकारा जी, आईएनए वेटरन लेफ्टिनेंट आर माधवन जी और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र की जन्म जयंती पर पराक्रम दिवस की बहुत बहुत बधाई। आजाद हिंद फौज के क्रांति वीरों के सामर्थ्य का साक्षी रहा ये लाल किला, आज फिर नई ऊर्जा से जगमग उठा है। अमृतकाल के शुरुआती वर्ष पूरे देश में संकल्प से सिद्धि का उत्साह, ये पल वाकई अभूतपूर्व है। कल ही पूरा विश्व भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक ऐतिहासिक पड़ाव का साक्षी बना है। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा को, उन भावनाओं को पूरे विश्व ने, पूरी मानवता ने अनुभव किया है। और आज हम नेता श्री सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जब से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया गया, गणतंत्र दिवस का महापर्व 23 जनवरी से बापू की पुण्यतिथि 30 जनवरी तक चलता है। गणतंत्र के इस महापर्व में अब 22 जनवरी का आस्था का भी महापर्व जुड़ गया है।
जनवरी महीने के ये अंतिम कुछ दिन हमारी आस्था, हमारी सांस्कृतिक चेतना, हमारे गणतंत्र और हमारी राष्ट्रभक्ति के लिए बहुत प्रेरक बन रहे हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां नेताजी के जीवन को दर्शाने वाली प्रदर्शनी लगी है। कलाकारों ने एक ही कैनवस पर नेताजी के जीवन को चित्रित भी किया है। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी कलाकारों की सराहना करता हूं। कुछ देर पहले मेरी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत युवा साथियों से भी बातचीत हुई है। इतनी कम उम्र में उनका हौसला, उनका हुनर अचंभित करने वाला है। भारत की युवा शक्ति से जितनी बार मिलने का अवसर मुझे मिलता है, विकसित भारत का मेरा विश्वास उतना ही मजबूत होता है। देश की ऐसी समर्थ अमृत पीढ़ी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़ा रोल मॉडल है। साथियों, आज पराक्रम दिवस पर लाल किले से भारत पर्व का भी आरंभ हो रहा है। अगले 9 दिनों में भारत पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा देश की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत पर्व में सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का प्रतिबिंब है। ये पर्व है वोकल फॉर लोकल को अपनाने का। ये पर्व है पर्यटन को बढ़ावा देने का। ये पर्व है विविधता के सम्मान का। ये पर्व है एक भारत श्रेष्ठ भारत को नई ऊंचाई देने का। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि हम सब इस पर्व से जुड़कर देश की डायवर्सिटीज को सेलिब्रेट करें। मेरे परिवारजनों, मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब आजाद हिंद फौज के 75 वर्ष होने पर मुझे इसी लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला था। नेताजी का जीवन परिश्रम ही नहीं, पराक्रम की भी पराकाष्ठा है। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए अपने सपनों, अपने आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दी। वे चाहते तो अपने लिए एक अच्छा जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को भारत के संकल्प के साथ जोड़ दिया। नेताजी देश के उन महान सपूतों समेत से एक थे जिन्होंने विदेशी शासन का सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि भारतीय सभ्यता पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। ये नेताजी थे जिन्होंने पूरी ताकत से मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान को विश्व के सामने रखा। जब दुनिया में कुछ लोग भारत में लोकतंत्र के प्रति आशंकित थे, तब नेताजी ने उन्हें भारत के लोकतंत्र की, उसके अतीत को याद दिलाया। नेताजी कहते थे कि डेमोक्रेसी ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है और भारत के अलग अलग स्थानों में सैकड़ों वर्षों से ये व्यवस्था चली आ रही है। आज जब भारत लोकतंत्र की जननी की अपनी पहचान पर गर्व करने लगा है, तो ये नेताजी के विचारों को भी मजबूत करता है। साथियों, नेताजी जानते थे
कि गुलामी सिर्फ शासन की नहीं होती है बल्कि विचार और व्यवहार की भी होती है। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से तब की युवा पीढ़ी में इसको लेकर चेतना पैदा करने का प्रयास किया। अगर आज के भारत में नेताजी होते तो वे युवा भारत में आई नई चेतना से कितने आनंदित होते, इसकी कल्पना की जा सकती है। आज भारत का युवा अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपनी भारतीयता पर जिस प्रकार गर्व कर रहा है वह अभूतपूर्व है। हम किसी से कम नहीं, हमारा सामर्थ्य किसी से कम नहीं, ये आत्मविश्वास आज भारत के हर नौजवान में आया है। हम चांद पर वहां झंडा फहरा सकते हैं जहां कोई नहीं जा पाया। हम 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य की तरफ गति करके वहां पहुंचे हैं, जिसके लिए हर भारतीय गर्व करता है। सूर्य हो या समंदर की गहराई, हमारे लिए किसी भी रहस्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। हम दुनिया की शीर्ष 3 आर्थिक ताकतों में से एक बन सकते हैं। हमारे पास विश्व की चुनौतियों का समाधान देने का सामर्थ्य है। ये विश्वास, ये आत्मविश्वास आज भारत के युवाओं में दिख रहा है। भारत के युवाओं में आई ये जागृति विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा बन चुकी है। इसलिए आज भारत का युवा पंच प्राणों को आत्मसात कर रहा है।